नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शुक्रवार का दिन फिर एक बार हंगामेदार रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश महासचिव होने वाले ऑफलाइन परीक्षा और छात्रों की चिंता को लेकर अपने समूह के साथ विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर पहुंचे और जमकर प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा भी किया। हालांकि हमेशा की तरह पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, लेकिन मीडिया ने जब मौजूदा पुलिस कर्मियों से सवाल किया तो आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कार्यवाही करने की बात की गई। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद विश्वविद्यालय इसी माह की 18 तारीख से 8 विषयों की परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। एनएसय ने शुक्रवार अधिकारियों के समक्ष पहुंचकर होने वाली परीक्षाओं में पहले संक्रमित या फिर परीक्षा के दौरान संक्रमित होने वाले छात्रों के मामले में प्रबंधक से बात की। नारेबाजी और हंगामे की खबर सुनकर नजदीकी थाने पर पुलिस बल भी विश्वविद्यालय प्रांगण पहुंचा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद विश्वविद्यालय के रेक्टर अशोक शर्मा, छात्र कल्याण संकाय के अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी छात्र संगठन से मिलने पहुंचे। दिनांक 18 जनवरी से जो होने वाली एग्ज़ाम है उसको लेकर आज हम यहाँ आए हैं। आगामी होने वाली परीक्षा को लेकर कम से कम 70,000 विद्यार्थी उसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन कुलपति और प्रशासन के हठीले रवैये के कारण, हिटलरशाही के कारण आज हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं। अगर 18 जनवरी से होने वाली परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया गया या एग्ज़ाम होने के दौरान कोई पॉजिटिव आ जाता है या एग्ज़ाम होने से पहले कोई पॉजिटिव आ जाता है, तो आज इस बात को लेकर हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आए थे कि उन बच्चों के लिए विश्वविद्यालय ने क्या सुविधा रखी है। क्या जवाब आपको मिला है फिलहाल? आज हमें जो जवाब मिला है वो यह है कि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम के पहले पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराएंगे। एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो उसके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर विश्वविद्यालय की लापरवाही लगातार जैसे की जा रही है, अगर इसी तरह की लापरवाही रही तो आसानी से पूरा इंदौर और पूरे विश्वविद्यालय के बच्चे आसानी से संक्रमित हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी एक हठीली कुलपति रेणु जैन के खिलाफ की होगी। और हम पेरेंट्स के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ महामारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कराएंगे। 18 तारीख से होने वाली शासन के आदेश के बाद जो ऑफलाइन परीक्षा है, क्या उसका भी आपका विरोध है? जी, हमारा विरोध उन चीज़ों को ले, उस एग्ज़ाम को लेकर भी है, क्योंकि इंदौर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज 1200 से पार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन और मामा की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक मामा ही अपने भांजे और भांजियों को इस परीक्षा की आग में झोंकने के लिए बैठे हुए हैं। आपका बच्चे यश यादव, एनएसय प्रदेश महासचिव। और तीखी नोकझोंक भी दोनों के बीच हुई। रेक्टर अशोक शर्मा ने शासन से आए नए आदेश के मुताबिक होने वाली परीक्षा की स्थिति स्पष्ट की और अंततः छात्र संगठन के सवालों के जवाब में संक्रमित छात्रों को राहत देने की बात विश्वविद्यालय प्रबंधक ने की है। नहीं, अभी तो जो टाइम टेबल निकला हुआ है, जैसा शासन का आदेश है उसी के हिसाब से परीक्षा होगी। हमारी ऑफलाइन से 18 तारीख से परीक्षा शेड्यूल्ड है, उसी के अनुसार होगी। लेकिन सर, लगातार शहर में कोविड बढ़ते जा रहा है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, तो यूनिवर्सिटी फिर ऑफलाइन परीक्षा क्यों करा रहा है? नहीं, अभी शासन से विश्वविद्यालय के लिए, कॉलेजों के लिए ऑफलाइन के ही लिए आदेश आया हुआ है। पूरा कोरोना के लिए प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए, मास्क का रखते हुए, 50% की फिजिकल कैपेसिटी के साथ में ही परीक्षा का संचालन किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव आ गए हैं, इवन जो बच्चे को एग्जाम भी देनी है उनमें से भी कई बड़ी संख्या में जो छात्र वो पॉजिटिव है, उन लोगों के लिए क्या हम लोगों ने व्यवस्था? यदि ऐसा कोई बच्चा रिपोर्ट देगा या ऐसी चीज कोई संज्ञान में आएगी तो उसको उचित प्रबंध और व्यवस्था की जाएगी। और प्रबंधक ने जिम्मेदारों की बात सुनने के बाद छात्र संघ मौके से रवाना हो गया। पुलिस ने छात्र संगठन के प्रदर्शन के बाद मीडिया से मामले में वैधानिक कार्यवाही आला अधिकारियों के निर्देश के बाद करने की कही है। सर, एनएसय के कार्यकर्ता पहुंचे थे, हंगामा किया है, क्या पुलिस का स्टैंड रहेगा? पुलिस का ये है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शहर में धारा 144 लागू है, जो वरिष्ठ अधिकारी आदेश देंगे पालन किया जाएगा। आपका परिचय? महादेव सिंह भदौरिया, सब इंस्पेक्टर थाना छोटी ग्वालटो लिंदो। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
कुलपति तेरी ताना चलेगी, कुलपति तेरी ताना चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कुलपति होश में आओ, होश में।